इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री क्लास 10 SST. द क्वेश्चन इज व्हेन डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन यूरोप और द क्वेश्चन कैन बी डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन विच हैड इन्फ्लुएंस्ड द पीपल बिलोंगिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप. फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके फर्स्ट पार्ट का आंसर है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो 1789 में हुआ था. उस टाइम जो फ्रांस का लीडर था वो लुईस 16 था. ठीक है, हमने जो जब लुईस 16 का नेम लिखना है तो हमने उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखना है. सेकंड जो दूसरी वैल्यू होती है ना XVI वाली, वो उस वैल्यू में हमने उसका नेम लिखना है. इम्पैक्ट ऑन यूरोप, इम्पैक्ट क्या पड़ा था यूरोप पे? फर्स्ट था फॉर्मेशन ऑफ जेकोबियन क्लब. जो फर्स्ट पार्ट है उसमें उन्होंने लिखा है कि मतलब जो फर्स्ट पार्ट है ना फॉर्मेशन ऑफ जेकोबियन क्लब, उसमें ये बताया है कि जब जेकोबियन क्लब फॉर्म हुआ था तो ये जो न्यूज़ है ना रेवोल्यूशन की वो पूरे डिफरेंट सिटीज़ जो थी यूरोप में उसमें फैल गई थी. मतलब स्टूडेंट्स और अदर मेम्बर्स जो थे मिडिल क्लास के, उन्होंने जेकोबियन क्लब बनाना स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, और जो एक्टिविटीज़ थी जिसने प्रिपेयर किया था फ्रेंच आर्मीज़ को, उन्होंने वो जो कंपेनियंस थे या फ्रेंच आर्मी थी उन्होंने शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया था होलैंड बेल्जियम स्विट्ज़रलैंड, और मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो इटली में शिफ्ट हो गए थे 1790 में. और ये जो था ये एक आउटब्रेक था वार्स का, जिसमें जो फ्रेंच आर्मी थी उसने आइडिया जो नेशनलिज्म का था वो अब्रॉड तक कैरी किया था. सेकेंड पार्ट है लिबरलिज्म ऑफ पीपल, मतलब उसमें जो वो उनका मेन एम क्या था कि जो यूरोप और फ्रांस के पीपल है उनको एकजुट करना या उनको उनसे यूनिटी बनाना. नेक्स्ट है राइज ऑफ नेपोलियन एंड इट्स इम्पैक्ट. जब नेपोलियन जो है उसने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे इकोनॉमी यूरोप की, जो इकोनॉमी है यूरोप की उसको रिफॉर्म करने में. ठीक है, उसने डिफरेंट लॉज स्टार्ट किए, फिर उसने डिफरेंट स्टेप्स लिए जिसके जो है अलग अलग इफ़ेक्ट्स पड़े थे यूरोप पे. थैंक यू.